हेलो। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो एयर बैग जो कार में लगा होता है वो वर्क कैसे करता है और कौन सा वो सेंसर है जिसके बेसिस पे उसका वर्किंग होता है। तो उसके लिए हमको बेसिकली समझना है एक्सीलरोमीटर। तो आज हम इसमें समझेंगे एक्सीलरोमीटर कम्प्लीटली और उसके एप्लीकेशंस। क्यों हम समझ रहे हैं उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन आया था, लाइक दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, सी द क्वेश्चन, लाइक डिटेक्शन ऑफ द कार क्रैश कोलिजन्स, डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंट फ्री फॉल बेसिकली द लैपटॉप एंड थर्ड फॉर एग्जाम्पल आप देखो डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन रिजल्ट इन टू बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। क्वेश्चन यही था कि विच हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर। फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर देयर आस्किंग एंड आंसर डेफिनेटली जैसे सबको पता है ऑल द थ्री। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा क्यों था, उसके पीछे रीजन क्या था। उसकी वजह बेसिकली एक ये हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि एप्पल ने फॉल डिटेक्शन अपने वॉच में दिया था। एप्पल ने क्या दिया? फॉल डिटेक्शन। तो एक ये वजह उसकी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि कई हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट हुए थे लास्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल साइरस मिस्त्री कार एक्सीडेंट, ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट। ऋषभ पंत एक्चुअली लाइफ वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ एयर बैग। तो इसकी कोई ये सारी एक वजह हो सकती है। इसके पीछे यूपीएससी ने जानना चाहा है कि वेदर स्टूडेंट क्यूरियस है या नहीं इन सब रीजन के पीछे कि क्या इसका लॉजिक हो सकता है। तो वही हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हमको समझना है कि व्हाट इज बेसिकली एक्सीलरोमीटर। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्सीलरोमीटर होता क्या है। देखो जब आप कार में बैठते हो, जब कार बहुत फास्ट मूव फॉरवर्ड होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो ऐसे, और जैसे ही फॉर एग्जाम्पल जो कार है एकदम रोकती है ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो बॉडी है वो फ्रंट में आता है। तो ये जो आपका बॉडी कर रही क्या ये एक्सीलरेशन है। इसी चीज को बेसिकली डिटेक्ट करता है एक्सीलरोमीटर। सो एक्सीलरोमीटर बेसिकली डिटेक्ट क्या कर रहा है आपको, एक्सीलरेशन, चेंज इन द एक्सीलरेशन दैट इज डिटेक्टेड बाय द एक्सीलरोमीटर। एक तो चीज हमें ये समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सीलरोमीटर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम समझ लें एक्सीलरोमीटर क्या है। ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है आपका? इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। हम क्यों इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, दैट इज द रीजन हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। एक सिंपल आसान भाषा में अगर हम देखें जो एक्सीलरोमीटर होता है उसमें बेसिकली जैसे कैपेसिटो इलेक्ट्रो जो एक्सीलरोमीटर होता है उसमें एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर मतलब टू ये प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स हैं ये कैपेसिटर हैं। इसके पास अंदर फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और जैसे ही बिकॉज ऑफ सम ओके फोर्स, बिकॉज ऑफ सम चेंज इन द एक्सीलरेशन द गैप बिटवीन दिस टू प्लेट्स चेंज, इसी चेंज को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में यह सिग्नल भेज देता है। दैट इज हाउ एक्सीलरोमीटर वर्क। ये बेसिकली इसमें एक मटेरियल होता है इसको पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सबसे पहले पढ़ना आपको जरूरी है ये पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। व्हाट इज दिस पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल? पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो मटेरियल होता है जिसमें अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर लगता है, मैकेनिकल फोर्स लगता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, उसको वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल चार्ज में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंड करके भेज देता है। वही होता है आपका पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे कि आपका जो वॉच होती है क्वार्ट्ज वॉच, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन अगर हम इसका देखें, यही यूपीएससी ने पूछा था आपसे, तो एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले लैपटॉप का हम देख लेते हैं। जब भी लैपटॉप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेज आप किसी टेबल पर आप वर्क कर रहे हो और लैपटॉप किसी वजह से गिर गया है तो ये क्या हुआ, एकदम फ्री फॉल हुआ, सडन चेंज हुआ एक्सीलरेशन में ना, तो यहां से डिटेक्ट सिग्नल भेज देगा। अगर सिग्नल नहीं भेजा तो जो ये आपकी हार्ड ड्राइव, ये आपके क्या है, दिस इज योर हार्ड ड्राइव, दिस इज योर हार्ड ड्राइव इज देयर, सो हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका जो डेटा है वो चला जाएगा। तो उस डेटा को सेव करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव को समझते हैं। इस हार्ड ड्राइव में जो ये आपको डिस्क दिख रही है, डिस्क ऐसी एक नहीं होती, इसमें कई डिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वे ऐसी सारी डिस्क लगी होती है ये, और एक स्पिंडल होता है जिसमें ये तीनों डिस्क होती है, ऐसे वन डिस्क, टू डिस्क, थ्री डिस्क, ऐसे। इस डिस्क को ही हम बोलते हैं प्लेटर। यूपीएससी ने यही टर्म लिखा था उसमें ऑप्शन में, प्लेटर। तो ये होता है प्लेटर। इसी प्लेटर जैसे एक प्लेट, एक दो तीन, वन टू थ्री डिस्क है, इसी की में क्या होता है कि ये जो एक आपको दिख रहा है आर्म जैसा है, ये बेसिकली कुछ और नहीं है, ये आपका है एक्चुएटर। ये कुछ और नहीं, एक्चुएटर है, यही रीड करता है डेटा को और यही राइट करता है डेटा को, करेक्ट। जैसे आपने वो म्यूजिक सिस्टम देखा होगा जिसमें एक डिस्क स्पिन करती रहती है, उसके ऊपर नीडल होता है,
नीडल उस म्यूजिक को रीड करती है। सेम वे में ये आपका एक्चुएटर उसमें काम करता है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे ये एक डिस्क है, एक और डिस्क है, एक और डिस्क है, उसी में क्या होता है कि ये एक्चुएटर इसके अंदर जाके यू आते बाहर आता है, ऐसे जाके बाहर आता है, दिस वे इट इज वर्क एक्चुअली। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये वर्क कर रहा है, इसको सिग्नल नहीं गया, इफ लैपटॉप फॉल हो गया, तो ये एक्चुएटर इसके अंदर ही रहेगा ना, और जैसे ही अंदर रहेगा ये फॉल होगा तो ये आपका डिस्क है ये ब्रेक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डेटा आपका चला जाएगा। तो जैसे ही ये फॉल होता है, जो आपका एक्सेलेरोमीटर होता है इसको सिग्नल भेजता है, जो एक्चुएटर है इससे बाहर आ जाता है। एक्चुएटर जो है, जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क में ऐसा एक्चुएटर इसके अंदर जाएगा ना, और जैसे ही सिग्नल गया ये एक्चुएटर बाहर आ जाएगा, तो ये अगर गिरेगा भी तो एक्चुएटर इसको खराब नहीं करेगा डिस्क को, करेक्ट और नॉट। तो दैट इज हाउ योर डेटा विल बी सेफ और नॉट। सो एक होता है ना हार्ड ड्राइव को टर्न ऑफ करना, टर्न ऑफ का मतलब सिंपली है कि जो आपका एक्चुएटर है ये बाहर आ जाएगा, करेक्ट, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन हार्ड ड्राइव। अब आप दूसरा जगह भी देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन लैपटॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये एयर बैग में काम करता है। सी इन एयर बैग के केस में भी सेम वे में वर्क करता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्रैश सेंसर लगा हुआ है, ये क्रैश सेंसर से सिग्नल गया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे गया, और यहाँ पे आपका होता है सोडियम अजाइड। क्या होता है आपके पास, यहाँ होता है सोडियम अजाइड, एंड सोडियम अजाइड की एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन में गैस में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सोडियम अजाइड विल कन्वर्ट इंटू नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे होता है एक बैग, करेक्ट, एक बैग होता है, उस बैग में ये नाइट्रोजन गैस फिल अप हो जाएगी। जैसे ही फिल होगी ये बैग इन्फ्लेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेटर। जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा तो अपने आप डेफिनेटली जो आपका बॉडी है, जैसे ही सडन ब्रेक लगा, सडन एक्सीडेंट हुआ, योर बॉडी कम्स फॉरवर्ड और आपका ये बैग हो जा, दैट इज गोइंग टू सेव योर बॉडी, करेक्ट और नॉट। तो इसमें एक और चीज आप ध्यान रख लो कि सोडियम अजाइड के साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज करते हैं बिकॉज टू अवॉइड एक्सप्लोजन। इसमें कई बार ऐसा देखा कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो अवॉइड द एक्सप्लोजन दे आर यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो। क्लियर, सो दैट इज हाउ दिस एयर बैग में ये सिस्टम वर्क करेगा आपका। दूसरा आपका वन मोर एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली मोबाइल का जो स्क्रीन होता है आप उसको पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में चेंज कर लेते हो। जैसे आप मोबाइल आपने पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड किया, अपने आप स्क्रीन चेंज हो गया। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सीलरोमीटर ओनली। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।